बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, पृथ्वीराज और सेल्फी जैसी फ्लॉप मूवी देने के बाद अब लग रहा है कि अक्षय कुमार ने बम बम कर दिया है। 11 जुलाई को OMG 2 की टीजर देखने के बाद अब ये लग रहा है कि अक्षय कुमार द कंटेंट कुमार ने वापसी कर ली है। अरे बाबा! भाई किसी ने सही कहा है, ना नाम चलता है ना ही रिश्वत चलती है जब मेरे महादेव की अदालत चलती है। आप लोगों ने टीजर में देखा होगा पंकज त्रिपाठी जो कि कांति शरण मुडगल का रोल कर रहे हैं, उनका साथ देने महादेव खुद आए हैं। और टीजर में तो कहा ही गया है रख विश्वास तू है शिव का दास। जितनी एक्सपेक्टेशन मुझे आपको इस टीजर को देखने के बाद हुई है, अगर फिल्म भी वैसी रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और जनता के रिएक्शन कुछ ऐसे हो। आग लगा दी। बात करें इस मूवी के BGM और सिनेमेटोग्राफी की तो भाई माइंड ब्लोइंग। फिर चाहे वो हर हर महादेव के नारे हो, अक्षय कुमार का जल से बाहर निकलना हो या फिर नंदी महाराज का उनके पीछे जाना, भाई ये सब सीन सच में गूज बम्स वाले थे। आदि पुरुष से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उसका उन लोगों ने 1% भी जनता को नहीं दिया है। उस मूवी के सीन गलत नहीं है बल्कि पूरी मूवी ही गलत बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खैर, इस OMG 2 के टीजर में जो सीन दिखाए गए हैं उनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे जनता नाराज हो सके, लेकिन सेंसर बोर्ड का कहना है कि ये मूवी सेक्स एजुकेशन पर आधारित है और इसके कुछ सीन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण इस मूवी को रिवाइजिंग कमेटी को भेज दिया गया है। पर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मूवी टीजर से भी अच्छी हो। आप खुद सोच के देखिए, जब 1 मिनट 26 सेकंड के टीजर में गूज बम्स ला दिया तो पूरी मूवी तो बवाल ही मचाने वाली है। मिलेंगे पूरी मूवी के बाद वीडियो और कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताते जाना कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से।